हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मेरे मुल्क की अलग पहचान है, यहाँ कोई हिंदू कोई मुसलमान है, इसकी जितनी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। आज पूरे भारत में 26 जनवरी यानी कि 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 26 जनवरी सन 1950 को ही भारत को अपना संविधान मिला था और इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था और इसी के साथ भारत एक संप्रभु देश बन गया था, जिसे गणतंत्र घोषित किया गया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता की और गणतंत्र घोषित किया गया, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि मुमरा कौसा शहर में हर गली हर कॉलोनी में झंडा फहराया गया और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दी। इसी के साथ मुमरा पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दादा हरी के चौरे साहब ने भी झंडा फहराया। इसके साथ ही स्कूलों में बच्चों पर फूल बरसाया गया, स्कूलों में भी झंडा फहराया गया। साथ ही दारुल फला में पढ़ने वाले बच्चों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर काफ़ी खुशी का इजहार किया और हाथों में झंडा लेकर ये बच्चे फहराते हुए नजर आए। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों से लेकर सामाजिक संस्थाओं ने झंडा फहराया और लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि दोस्ती में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में औरतें बच्चे इस पर्व पर झंडा फहराने के बाद लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इसी तरह से किफ़ायत कॉलोनी में भी झंडा फहराया गया, साथ ही जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में भी झंडा फहराया गया। इस मौके पर मदरसे के बच्चे बड़ी संख्या में इस जश्न में शामिल हुए। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हमने तमाम कार्यक्रमों में मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI दादा हरी के चौरे और डायघर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI सचिन गावड़े, जमीयतुल उलमा हिंद के मौलाना वहाब कासमी और NCP पार्टी के शमीम खान, रिदा रसीद, सुधीर भगत और यूनुस शहर शेख से इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हमने बातचीत की है। इन लोगों ने क्या संदेश दिया है, सुनिए। आज प्रजासत्ताक दिन है, उसी के मौके पे सब मुमरा वासियों को मेरे तरफ से पुलिस स्टेशन की वजह से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ये बहुत खुशी का दिन है और हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए आज जो 26 जनवरी को जो कानून बना था, उस दिन का सारे हिंदुस्तान के लोग, हमारे मुल्क के लोग, सारे लोग इसका एहतराम करते हैं और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के अंदर चैन सुकून अमन व अमान अनायत फरमाए। पब्लिक डे सबको, हर एक इंसान को। आज के दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था और इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे ACP सर से आज हमारा झंडा वंदन हुआ है, बहुत खुशी की बात है। बस अल्लाह सबको कामयाब करे। गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं सबसे पहले तो यहाँ के सभी रहवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। हम चाहते हैं कि ये एरिया हमेशा खुश रहे, छोटे छोटे बच्चे जो है जो अच्छे से पढ़ाई करें, कोविड का समय है, सब लोग कोविड के नियमों का पालन करें। और यहाँ पर हम लोग एक विशेष अभियान कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे एरिया में किसी को भी ड्रग्स की लत न लग जाए, जिसको भी ये ड्रग्स की लत लगी है वो छुड़ाने के लिए हम लोग मदद करेंगे और इस एरिया को पूरे तरह से ड्रग मुक्त करेंगे। तमाम देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ मैं आज एक संदेश देना चाहता हूं। आज इस 26 जनवरी के मौके पर देश के जो हालात हैं, कहीं ना कहीं भाईचारा टूटता हुआ दिख रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा था,
हमें उसका पालन करना चाहिए, हमें उनके बताए हुए रास्ते पे मार्गदर्शन पे चलना चाहिए, यही मेरा संदेश है सभी को। आज के जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने आज हमारे को एक कानून दिया था, आज संविधान दिया था, तो उसकी सभी को बधाई। आज के इस शुभ अवसर पर मैं मेरे देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 2 साल में जो महामारी से हम जूझ रहे हैं, ये देश उसको कड़ी मुकाबले से बड़ी हिम्मत से मेरे देशवासी उसको लड़ रहे हैं। खास करके हिंदुस्तान की एक बात कही तो इसकी बात ही कुछ अनिराली है। ये जिस तरह से अपनी लड़ाई लड़ता है वो तो पूरा जग उसको देखते रहता है, उसकी सराहना करनी चाहिए आप सबको आज के शुभ अवसर पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश का बड़ा त्यौहार है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। इस गणतंत्र दिवस की सारे देशवासियों को शुभकामना देते हुए